नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं पुनः एक बार आप सभी का एक नए विषय के साथ। वैसे तो मनुष्य कई सदियों से नेचर अर्थात प्रकृति में मौजूद कई तत्वों और साधनों का उपयोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा एवं संवर्धन हेतु करता आया है और कर रहा है, और देखा जाए तो हमारा शरीर भी प्रकृति प्रदत्त ही है। और आज मैं जिस विषय को छूने वाला हूँ साथियों, वो एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में ही मौजूद है और ईश्वरीय संरचना में न केवल हम मनुष्यों के लिए वरन कई पशुओं के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं। जी हाँ साथियों, क्या आप जानते हैं कि सुबह की बांसी लार अर्थात सलाइवा सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि लार मुंह में बनने वाला एक तरल पदार्थ होता है। यह एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। लार व्यक्ति को कई तरह के रोगों से बचाने का भी काम करती है। लार का प्रयोग आँखों के रोगों में, त्वचा संबंधी रोगों में और दांतों की कई समस्याओं में फायदेमंद है। ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेद में हजारों साल पहले ऋषि श्री वाग्भट जी ने लार के अनेक फायदे बताए थे। मिट्टी में जिस तरह से 18 तत्व पाए जाते हैं, वैसे ही लार में 18 तत्व पाए जाते हैं जो कि सक्रिय तत्व के रूप में होते हैं। शरीर में जब यह गुण विद्यमान रहते हैं तो कई बीमारियों का इलाज बनते हैं। इस लार का प्रयोग अलग अलग परेशानियों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। आइए जानें सुबह की बांसी लार के क्या है फ़ायदे। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लार में ऐसे कई गुण होते हैं जिनसे दांतों को मजबूती मिलती है। लार में पोटेशियम, सोडियम, ग्लूकोज, फास्फेट, कैल्शियम और प्रोटीन जैसे तत्व होते हैं जो दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं, और लार में एंटीबायोटिक तत्व भी होते हैं जो दांतों को विषैले संक्रमणों से बचाते हैं। तो पहला काम तो इसका ये होता है। आगे इसके यदि हम फायदों को देखें तो ब्रह्म मुहूर्त का जो लार होता है वो शक्तिशाली और औषधीय गुण से भरपूर होता है। ब्रह्म मुहूर्त का लार अन्य समय की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होता है। इसे सुबह उठते ही निगल लेना चाहिए। यह आपकी पाचन शक्ति के अलावा शरीर के कई गतिविधियों को मजबूती प्रदान करता है। इससे आपकी मानसिक शक्ति भी दोगुना हो जाती है। दोस्तों, यदि शरीर पर घाव आ जाए जो किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे में सुबह उठकर बांसी लार घाव पर लगाना चाहिए। ऐसा लगातार 20 से 25 दिन करने पर घाव बड़े आसानी से सूख जाते हैं। आप अपने आसपास के जानवरों को अक्सर घाव को चाटते हुए देखते होंगे। यही कारण है कि जानवर घाव को चाटकर ठीक कर लेते हैं। उनके पास कोई भी दवा नहीं होती, उनकी औषधीय शक्ति लार होती है। वो लार की उपयोगिता को समझ सकते हैं, लेकिन हम मानव अभी तक उसके बारे में जागृत नहीं हुए हैं। सुबह के लार का गुण यह होता है कि सुबह की लार को हमें थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि लार के पैदा होने से करीब 1,00,000 ग्रंथियों का काम हमारे शरीर में आसान हो जाता है। ऐसे में आप अपने लार को तभी थूके जब आवश्यक हो। मैं आपकी बेहतर जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सुबह का लार बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें क्षारीय गुण पाया जाता है। इसका पीएच मान 8.4 के आसपास होता है। उसकी वजह से भी हमारे शरीर के लिए ये कई रूप में उपयोगी होता है। यदि दोस्तों हमारे मुंह में यदि लार ना हो तो भोजन निगलना भी मुश्किल हो सकता है। आपको बता दूं कि लार के बिना भोजन को निगलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में लार शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आप जानते हैं, उसकी चिकनाहट की वजह से ही भोजन हमारे शरीर में पहुंच पाता है। और साथियों, इसके अन्य फ़ायदों को देखें तो कैंसर से लड़ने में भी ये बहुत मददगार होती है। जापान के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में माना है कि मुँह में मौजूद लार कार्सिनोजेन में मौजूद सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, जिससे कैंसर होने का रिस्क कम हो जाता है। साथ ही इसमें एंटी एजिंग के तत्व भी पाए जाते हैं। लार में सलाइवा पेरोटिड ग्लैंड हार्मोन अर्थात SPGH पाया जाता है, जो त्वचा से उम्र के प्रभाव को कम करते हैं और आप लंबे समय तक युवा दिख सकते हैं। दोस्तों, लार जो होती है मुंह को साफ रखने में भी मदद करती है। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के मुंह में प्रतिदिन 1000 से 1500 मिलीलीटर लार बनती है, जो मुंह में मौजूद कैविटी, हानिकारक बैक्टीरिया और बारीक भोजन के कणों को साफ करने में मदद करती है। और एक अन्य रिसर्च के मुताबिक सेहत का राज भी बता सकती है लार। किसी भी तरह की शारीरिक समस्या का पता लगाने के लिए जिस तरीके से ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसी तरह लार के टेस्ट से भी सेहत का हाल जान सकते हैं। खास तौर पर HIV के इलाज में लार के टेस्ट का बहुत महत्व है। और देखा जाए तो साथियों, हमारी जो आवाज़ होती है बोलने में भी ये मदद करती है। लार बनने से ही मुंह और गले में नमी बरकरार रहती है, जिससे हम आसानी से बोल पाते हैं। लार जो होती है चोट में भी आराम पहुंचाती है। डच के शोधकर्ताओं ने अपने अध्ययन में पाया है कि लार की मदद से किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग या चोट से रिकवरी आसान हो जाती है।
या मुंह में होने वाली ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है और चोट वाले भाग को संक्रमण से बचाती है। साथ ही इसका इस्तेमाल चोट लगे हुए हिस्से की सफाई के लिए भी कर सकते हैं। तो पाचन को दुरुस्त करने में भी लार बहुत सहायक है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, इसलिए सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीने से हमारी लार सीधे हमारे मुँह में चली जाती है। ऐसा रोजाना करने से आपको पाचन संबंधी परेशानियों का भी सामना नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों, आँखों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होती है। देर रात तक काम करने से अगर आपकी आँखों के नीचे काले धब्बे हो गए हैं या आँखों की रोशनी कम हो गई है तो सुबह की बासी लार आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपके आँखों के आसपास काले घेरे हैं तो सुबह मुँह की लार से धीरे धीरे अपने आँखों के आसपास मलें। कुछ ही दिनों में काले घेरे दूर हो जाएंगे। और कुछ व्यक्तिगत अनुभव में तो यह भी पाया गया है कि सुबह की लार को काजल की तरह आँखों में लगाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी थी इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आशा करता हूँ कि इससे आपको कुछ फ़ायदा अवश्य होगा। और जो भी प्रयोग आप अपने ऊपर या अपने किसी भी मिलने वालों के ऊपर करें तो उससे पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें। धन्यवाद एवं आभार। सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।